अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह हमेशा आपको अच्छा खुश तंदुरुस्त सेहत तंदुरुस्ती उम्र दराजी आफियत की लंबी अता करेगा, आमीन। आज मैं आपको दिखा रही हूँ बर्गर पाव जो मैं घर में बनाती थी, जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, जिसके लिए लगने वाली चीजें ये है। मैं आपको ईस्ट है जो एक चम्मच गुनगुने पानी में डाल रही हूँ वो दिखा रही हूँ। ऐसा थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे गया तो कोई बात नहीं। अब इसे मैं ढक के रखूंगी और ये है पाव बनाने के लिए मैदा आधा किलो। मैं आटे का भी घोल का बनाती हूँ पाव, मगर ये मैं आपको दिखाने के लिए मैदे की बना रही हूँ। और इसमें एक अंडा जाएगा, थोड़ी शक्कर जाएंगी लेते वक्त मैं दिखाऊंगी, थोड़ा नमक जाएगा, दूध जाएगा वो भी गुनगुना दूध, वो मैं कलाते वक्त आपको सब दिखा रही हूँ। ये देखो अपनी ईस्ट आ गई। अगर ऐसी ईस्ट ना आए तो फिर आप पाव का आटा कलाओ मत, क्योंकि फिर उससे पाव फूलते नहीं। और मैं हमेशा ईस्ट में ही शक्कर डालती हूँ, मगर आज मेरा शक्कर वाला दूध है जिसमें पहले शक्कर डाली थी सबके लिए बॉर्नविटा के लिए, इसलिए मैंने वो दूध ली तो इसमें शक्कर नहीं डाली। मगर आप ईस्ट में ही शक्कर डालो, पानी में गुनगुने पानी में शक्कर डालो, ईस्ट डालो और 5 मिनट ढक के रखो। 5 मिनट में ऊपर आती है, आई है वो भी ठीक है। अब इसमें आधा किलो के हिसाब से नमक डालूंगी, 1 चाय की चम्मच भी नहीं है पूरी नमक। इसमें आप 2 टेबल स्पून तेल भी डाल सकते हो, मस्का भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, मगर मैं हमेशा देसी घी डालती हूँ। आप तेल भी डाल सकते हो क्योंकि मुझे देसी घी की खुशबू अच्छी आती है। ये देखो इसमें जाएगा पहले 2 चम्मच घी। पाव बहुत अच्छे खाने में लगते हैं। मैं तो हमेशा घेव के आटे की करती हूँ, मगर आपको दिखाने के लिए मैं देखी कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा अंडा, अंडा न डाले तो भी चलता है मगर मैं डालती हूँ। अब इसको पहले एक साथ सबको कलाऊंगी। अब इसको सब एक जखी मछली सबको। अब इसमें पहले ईस्ट डालूंगी। और दूध भी गुनगुना लेने का, हाँ, और गरम जगह पर रखने का आटा। 1 घंटे में अच्छे से आता है, गर्मी है इसलिए 1 घंटे में, नहीं तो 3-3 घंटा भी जाते आने को, मगर अभी गर्मी है तो 1 घंटा में बहुत अच्छा आता है ऊपर। अब इसमें गुनगुना दूध जैसा लगेगा वैसा डालोगे। उसको थोड़ी मालिश करके ढक्कन मार के गर्म जगह के अब रखूंगी। आटा एकदम सूखा सूखा नहीं लगाने का, थोड़ा सा गीला लगाने का, वो अच्छा आता है। ऊपर से थोड़ा तेल का हाथ लगा के रखी। ये अपना बर्गर का आटा आ गया, ये देखो ऐसा आने के बाद फिर लेने का। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए
इसको थोड़ा मसल के लूंगी, पंच करूंगी इसको। ये देखो चार पाव के गोले बनाए हूं और इसमें थोड़ा तेल लगाऊंगी ट्रे को। ट्रे में फासले फासले पर रखूंगी। अब इसको 10 मिनट ढक के रखूंगी। पाव को ऊपर लगाने के लिए अंडा फेंट रही हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ। ये अपने बर्गर के दिल पट हो गए, जो मैंने छोटे रखे थे बड़े हो गए, अब बराबर हो गए। अब इसको अंडा लगाऊंगी। अंडा मैंने लगाया, अब ऊपर से तिल डाल रही हूँ थोड़े। अभी हम लोग डालेंगे ओवन में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है। अब इसे 10 मिनट के बाद हम देखेंगे। 8 मिनट में ही हो गए, 10 मिनट भी नहीं लगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो अब इसको थोड़ा सा तेल लगाऊंगी ऊपर से, नहीं तो मस्का डालूंगी थोड़ा थोड़ा, और थोड़े गीले कपड़े से ढक के रखूंगी एक 10 मिनट के लिए, फिर मैं आपको आगे का भी बता रही हूँ। गीले कपड़े से 10 मिनट के लिए ढक के रखूंगी, फिर वो एकदम मुलायम नरम हो जाएगी। रात को मैंने जो पाव बना के रखी थी उसके आज बर्गर बना रही हूँ। आगे बर्गर की सीट की रेसिपी मैंने आपको दी हूँ, वो एक साथ ही कल दोनों में डाल दूंगी। अच्छे से पाव आए, जाली वगैरह अच्छी आई। आप भी ऐसे पाव करो, घर के पाव अच्छे रहते हैं और बहुत बेहतरीन बने हैं, जिसका वीडियो मैंने दी हूँ। और आगे भी मैंने आपको अपने आगे मैंने बर्गर के पैटीज का पूरा वीडियो दी हूँ। ये दोनों मैं एक साथ ही डाल दूंगी, आप देख लो वैसे कर लो। उसी में के सीट रहे हुए हैं, यानी पैटीज उसी के पैटीज है जो उस दिन मैंने फ्राई की थी, मगर उसको पाव नहीं अच्छे मिले थे। आज अपने खुद के पाव देखो कितने अच्छे हो गए माशाल्लाह। तो आप भी करो और आप भी खाओ और मुझे बताओ आपके कैसे हो गए, बहुत बेहतरीन होते। ये हो गए अपने बर्गर रेडी। आप भी ऐसे घर में पाव करो, अपने घर के पाव देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं दोनों वीडियो कल साथ में डालूंगी, तब आपको समझेगा कि इन पाव में और उन पाव में कितना फर्क है। आप भी करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरे बर्गर कैसे लगे, और चैनल को आगे करने की कोशिश करो, जिसका जजा अल्लाह अच्छे वाला आप सबों को देगा। अल्लाह हाफिज़।